जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने गिनती दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने गिनती दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बराता ते नमस्ते जी नमस्ते जी आओ बैठो शुक्रिया दसो किस तरह आना होया कोई खास गल नहीं है वो चंदे दे चेक देना सी हेलो आज ही बैंक भी जमा करा देना सुनिया तड़क कुछ मजूरां नाल झगड़ा हो गया इस एरिए च होण वालियां सारियां गल्लां दा तुहानू पता चल ही जांदा है पर दो टके दे मुंडिया ने मैनू बड़ा ही नीवा कर दिता ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਆ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਤੇ ਠੀਕ ਏ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਏ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂਗੀ ਚੰਗਾ मुझे इजाजत दो मैं चलना देवी जी हुण ते दादी दी तबीयत चंगी हो गई है ना मैं अपने पिंड जानना चाहना है उत्थे मेरी माँ कदों दी उड़ीक रही होएगी मनी आर्डर ते उन्हूं हर महीने मिल जाता होना है ना पुत्र चिट्ठी तो ता ऐ लगदा सी तू सी ता पढ़ के सुनाई सी पर तू भी ते पढ़न जांदा होंदा सी जांदा ता सी पर विचे छुट्टियां हो गईयां सी ते फिर की होया फिर तो शुरू कर देना सी पढ़ना ते जरूर चाहिदा पुत्तर रही तेरे पिंड जान दी ते मां नु मिलन दी गल एक दो हफ्तेयां तक टिकट कटा देंगी दादी को लो भी पूछ लेंदे ते चंगा रहंदा पुत्तर ओना दा मूड ठीक नहीं मना कर देंगे ल्याओ मैं काट दा रामकली जांदी वारी दाल ते रोटियां ले जाई मैं मेज ते रख दितियां ने दीदी जी कल तो मेरी जगह ते मेरी मां होगी कम करन ले ओ क्यों किते तेरी मंगनी जा ब्याह दा चक्कर ता नहीं नहीं बीबी जी ए तुसी की कह रहे हो अजे मेरी उम्र ही की है ते होर की गल है सवेरे मैं स्कूल जाया करंगी पढ़न ले हुन तू स्कूल पढ़न जाया करेंगी ओ सरला दीदी है ना ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖਾਂਗੀ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰ ਨਿਆਣੇ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ
बोली ए किदा हो सकता है, मेरी सुने बिना ही मैनू डांटन लग पई। छोटे लोगों का तो दिमाग ही चढ़ गया है, पता नहीं अपने आप को की समझन लग पे ने। जदों वेखो कोई ना कोई पुआड़ा पिया ही रहिंदा है, कभी छुट्टी चाहिए है, कभी कहिंदे ने साढ़े पैसे वधा दो, कभी कम करन दी तौस समझदे ने जिवें आई आगे ने कल्ले काम करन वाले। लल्लू जाना होवे ते तेरे मुंह विच जुबान नहीं सी, तू सुनदा ही रिया। असीं काम करन दे पैसे लैंदे आ, कोई खिरात नहीं लैंदे। उहने इक सुनाई सी तो चार सुनानियां सी। ओ की सिखा रही पुत्तर नूं, इहदी मां है दुश्मन ना? कोई बेइज्जती करे ते चुप रहना भी ठीक नहीं होंदा। ठीक है ठीक है, उन्हें कुछ नहीं कहना। स्कूल च ना लिखाने का टाइम आएगा, मैं आपे गल कर लांगा। की गल है, अज तुसी आपस च ही गल्लां करनियां ने बस? सानू शर्म आंदी है जदों जुबान चलांदी है, ते तां लाश शर्म नहीं आंदी। दीदी जी गल ए कि ए सारियां परले बाजार गईयां सी, उत्थे इन्हां ने एड बीमारी दा पोस्टर देख लिया है, बस ओहदे बारे च जानना चाहुंदियां ने। ये तो बहुत चंगी गल है कि तुसी एड्स की बीमारी के बारे जानना चाहते हो। एड्स की बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, पर है बड़ी खतरनाक बीमारी। ये बीमारी हो जाती है जदों की कोई औरत एक तो वाधू आदमियों नाल संबंध रखे, या फिर एक रोगी नू लगे हुए टीके की सुई दे नाल, या फिर जदों कोई एड्स का रोगी होवे उहदा खून किसी होर नू चढ़ा दिता जाए तो भी एड्स हो सकती है। जेकर किसी माँ नू होवे तो फिर उहदे बच्चे नू भी एड्स हो सकती है। हाय रब्बा, ये तो बड़ी बदनामी की गल है। जेकर वजन घटन लगे या फिर कोई बड़ा ही बीमार हो जाए, ठीक ही ना हो रहा होए, तो एच आई वी नाम का एक टेस्ट होंदा, वो जरूर करा लेना चाहिए। और ये बारे होर जानकारी देने वास्ते मैं एड्स के बारे में कुछ किताबा तुहानू लिया के देवांगी, वो तुसी पढ़ लियो, तुहानू सारा कुछ समझ आ जाएगा। दीदी जी यह सारिया जानकारियां तो मर्दा नू भी देनिया जरूरी ने। किताबा तो वह भी पढ़नगे ना? पढ़न के किन्ने ही फायदे ने, सानू किन्ना कुछ पता चल गया, जब तक अनपढ़ सी तो कुछ पता ही नहीं सी। जब तो मेरी मेम साहब नू पता चलिया है मैं पढ़न दी सोच ली है, गुस्से विच ही रहंदी है। साडी बीबी जी दा भी इहो हाल है ते मेरी वाली भी चिड़ी होई है। लगदा है वड्डे लोग चाहुंदे नहीं असीं पढ़िए, कहंदी सी तुसीं पढ़िया लिखिया तो चंगे हो, ते अजकल ते ओह बेकार घूमदे ने, ते तुहानूं ते काम मिलिया है। पढ़ लिख जाओगे ते छोटा काम करन विच तुहानूं शर्म आएगी, ते जिहड़े चार पैसे मिलदे ने ना उहनां तों भी हाथ धो बैठोगे। साडी पढ़न दा उहनां लोकां नूं नुकसान है, सानूं बच्चा समझ कर अद्धी मजदूरी दिंदे ने। ਜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੇ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਕ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲੋਕ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਚੂਸਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੋਚੋ, ਸਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਿਰੱਖਰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਰੂ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਵਿਚੋਲੀ ਰਿਸਰ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੀ? ਆਹੋ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਸਤੀ ਦਾ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਹੀ? ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੀ। ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜੀ।
बापू पैरी बने। ओए ए छोटू पुत्र तू मेरा छोटू मेरा मित्र रब्बा किसी की नजर ना लगे मेरे पुत्र नु बैठ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐ ਜਿਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੇ ਨਹਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਐ ਥੱਕਿਆ ਮਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਐ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈ ਐ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹਾਂ देखो बापू मैं तो अड़े ले की लेके आया है साबुन खुशबू वाला मां है तो अड़े ले घड़ी मेरे ले हां जी ए बापू ए कुर्ता पजामा तो अड़े ले मेरे नहीं ओ मां ए सूट तो अड़े ले मेरे ले हां जी सूट ले आया हां जी पर ए तो दस तू ते करना की है काम करदा है कोठी विच हर तरह दा हेलो मां पैसे अच्छा मेरे पुत्र ने तो मेरी गरीबी काट दीती सब करे तेरे वर्गा पुत्र सब दा होवे तू ते एकदम बदल गया है छोटू पहचानिया ही नहीं जांदा हुन ते तेरा रंग भी निकल आया है ते सेहत भी बन गई है सेहता तेरी भी उसी तरह है ओए मखोल ना उड़ा यार मेरे घर दी हालत ते बहुत ही बिगड़ गई है अब्बा दी नजर कमजोर हो गई है हुन ते ओना कोलो कोई कम ठीक होंदा ही नहीं चाहे एनक पांदे ने शरद दा हाल भी कोई खास नहीं राजू ओ ता मेनू चंगे लोग मिल गए ने तेनू पता है मैं बत्तर मान जाते काम विच भी शर्म नहीं करता तू ठहरिया ठहरा मसला पुत्र कर लेगा मजबूरी सब करवा देंदी है पर ज्यादा दिन तक नहीं मेरे लिए कोई काम देखेगा पर जेड़ा काम मिलू वो करना पाएगा कर लवांगा पूरे 12 साल का हो गया वहाँ फिर ठीक है जिमें काम मिलेगा मैं तेनू चिट्ठी पावगा तो फौरन चलाए मेरे भेजो पैसों नाल इत्थे बहुत कुछ बदल जाएगा माँ का इलाज हो जाएगा ਪੈਂਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਐਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਲ ਚਲੀਏ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਰਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਖਸ਼ਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਬਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ 18, 19 ते 20 बच्चों यह तुहाडी स्पेशल क्लास है जिहड़ी कि एक महीना चलेगी इहदे विच तुसी स्कूल विच दाखले लई होण वाले टेस्ट लई तैयारी करनी है इसलिए बड़ी मेहनत और ध्यान नाल पढ़ना है तुसी ठीक है ना यह जिहड़ी मैं 20 तक गिनती अज सिखाई है ये तुहानू कल याद होनी चाहिए क्यों ठीक है जी 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 ए प्रोजेक्ट हले 5 साल चलेगा भाई 10 साल भी चलने ते की फर्क पंदा मैं तो उन अथे रहंदी आदत पै गई है यार एक गल है ओ शराब दा ठेका भी बड़ी दूर है इथों यार हां ते वो भी बंद होने वाला है वाह मी कानून गपा मारी जांदे हो सरकार नु आमदनी बड़ी हुंदी है की मतलब सरकार ने सिगरेट दीयां डब्बियां ते
शराब दिया बोतलों से बई होर भी बहुत सारिया चीजा लिखा होया है सेहत वास्ते हानिकारक है वैसे होंदिया भी सेहत वास्ते हानिकारक ही है पर फिर भी बिकी जाती है वो सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं कर देती सरकार नू टैक्स बहुत आंदा है ते आमदनी बड़ी होंदी है वेख्या पढ़न दा फायदा शीशियां ते लिखिया हुण पढ़न ते लग गया है ना यारे रज्जू मैं इत्थे गल कीती है पर किसे घर विच नहीं मजदूर बस्ती विच जिथे तू अपने सिलाई दे हुनर नाल कुछ कमा सकने है मेरी बीबी जी तेनू किश्ता ते मशीन ले देगी इत्थे एहो जिहा कपड़िया दा रिवाज है जिवें लंबे पजामे तिरछे गले दे कुर्ते ऐसे कम ते आके अपना कब्जा कर ले ते जदों भी चाहे ऐसे पते ते आ जा तेरा यार छोटू छोटू मेरे यार मैं आवांगा मैं जरूर आवांगा बस थोड़े दिनों की गल है किराया इकट्ठा कर लवा तू किन्नी छेती मेरे लिए काम का इंतजाम कर दिता है मैं तेनों निराश नहीं करूँगा बहुत वधिया कपड़े सिलूंगा मेरे प्यारे दोस्त छोटू तेरी चिट्ठी मिली तू किन्ना चंगा लिखना है तेरे साहब लोग बड़े चंगे ने खुदा उन्होंने उन्हों की चंगाई का सबाब जरूर देगा मैं तीन हफ्तिया तक तेरे कोल पहुंचूंगा इन्हों दिनों विच मैं कढ़ाई ते सिलाई विच अपना हाथ होर भी साफ कर लवांगा अब्बा जान मैनू पूरी तरह ट्रेंड कर रहे ने तेरी बड़ी याद आती है कल तेरे घर गया सी उत्थे सब भले चंगे ने वड्डी चंगे नंबरां नाल पास हुई है तेनू वेखण ते मिलण दी चाह विच तेरा बेली राजू राजू वेख लै तू मैनू दस्या नहीं कि तेरे कोल आन लई पैसिया की कमी है मैं भी किन्ना पागल है जड़ी तेरी समस्या है मैं समझ नहीं सकिया हुण मैं तेनू टिकट भेजांगा शामी बीबी जी नाल गल करांगा मेरे पिंड मैं तेनू छटके जा रही हूं पैसा कमान लई तेनू भुलांगा नहीं मैं वापस आवांगा तेरे कोल तेरे सिंघाड़े वाले तला सुख गए ने कपड़ा बुनन वालिया खड़िया बंद हो गईया देसी कम बंद हो गए 12 साल दा होके 40 साल दे आदमियां वाकम थकदा रहंदा घर दी हालत वेखी नहीं जांदी भैन पढ़न चली जांदी है घर कौन वेखे मां कमजोर है दादी नू मोतिया उतर आया है दादे नू गठिया ने जकड़ लिया पूरे परिवार दा पार मेरे अब्बू उत्ते आ पिया है मैं उना दे बुढ़ापे दी लाठी हाँ मेरे पिंड तेरे कोलो ते कुछ भी नहीं छुपाया मैनू इना सारिया ले जाना पै रहा है मैनू बेवफा ना समझी मैं कोई चोरी नहीं कीती पर बीबी जी ने मेरे ते बार बार झूठा इल्जाम लगाया कि तू साहब दे 100 रुपए कड्डे ने मैं तलाशी भी दित्ती कुछ नहीं मिलिया पर मैं नहीं सोचा सी ए लोकी दिल दे ऐने सख्त होंदे ने तंग करन दे बहाने ढूंढदे ने मैं तां इन्हां दा कम ही छड्ड देवांगी जदों तो पढ़े लगे हैं उन्हां लोकां दा बिल्कुल व्यवहार ही बदल गया है गल गल ते खांडू पैंदे ने देखो बीवी जी गुस्सा करन दी कोई गल नहीं है असी बच्चियां दे थां ते काम करन नू तैयार साडे बच्चे हुण पढ़न लगे ने ते तुसी खाम खा उहनां दे उत्ते चोरी दा इल्जाम ला रहे हो एक तां चोरी उत्तों दी सीना चोरी मैं क्या ओह चोरी करके गए तही ते काम ते नहीं आंदा नाले कान खोल के सुन लो जे ओह कल तों काम ते नहीं आया ना ते असी पुलिस ते रिपोर्ट कर देवांगे फिर पुलिस ओहनू निपटेगी बीबी जी ऐ ते तुहाडी जाती है ऐ ते पाप है जी पाप आहो गल ठीक नहीं है तुहाडी ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣ ਤੁਰਿਆ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਥਾਣੇ ਚ ਕਹਿਣਾ ਨਾਲੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ
फिर वो तुहाडे कमल नूं तुहाडी बस्ती च जाके हथकड़ियां ला के ते लियांगे। बस बस इन्ना गुस्सा ना करो, असी नादान है क्या, भूल हो गई, माफी दे दियो, मैं कल ही कमल नूं काम ते भेज देंगी। वो गल खत्म हुई, हुण असी चलदे आ, घर चल के मर्दां नाल गल करांगे, हले ठंडा रहना ही ठीक है। चंगा, मर्दां नाल गल करन दी लोड़ नहीं, गल वध जाएगी। चुप रहो, दो तीन दिन लंघ जाण, आराम नाल मुंडे नूं भेज देने, फिर बीमारी दा बहाना बना के बना लो। आ ठीक है, ठीक रहो। चंगा बीबी जी, कमल कल तो काम ते आ जाएगा। असि कल ही कमल नूं भेज देंगे काम ते। याद रखना, आखिरी मौका हैगा। बस एक बार माफ कर दो। नमस्ते। हुणे तुसी वेख्या कि किस तरह मन्नू क तो कबूतर ते क तो कड़ाई तक पहुंचिया। संतो अपने सुभाव दे मुताबक मैरू नू गल्लां भी सुनाई आई ते उस तो खंड भी ले आई। रामू पिंड जाण दी तैयारी करदा है। रामकली ने अपनी मालकिन नू दस्या कि हुण तो उस दी माँ कम ते आया करेगी। ए सुनदियां ही उस दी मालकिन दे मत्थे ते वट पै जांदे ने। मैरू, श्यामा ते तारो बहुत झिझकदियां होइयां सरला दीदी तो एड्स की जानकारी लेंदियां ने। इस तरह उन्होंने पढ़न दे फायदे पता चलते ने। मजदूरां दे बच्चियां विच होण वालियां गल्लां दिल नूं हिला देंदियां ने। कमल ते रामकली कह रहे सी कि वड्डे लोकी उन्हां दे पढ़न लिखन दे रस्ते विच रोड़े क्यों अटका रहे ने। साफ गल सी कि फिर उन्हां दा शोषण किस तरह करनगे, उन्हां नूं अद्धी मजदूरी किस तरह देंगे। उस इलाके की राजनीतिक हस्ती मालकन भी सरला दीदी तो बहुत प्रभावित सी। छोटू शहर तो पिंड वापस आंदा है। उसके माँ प्यो उस नूं वेख के बहुत खुश होंदे ने। उसका बेली रिजवान भी बहुत खुश होंदा है। दोवें दिलां दा हाल चाल वंडदे ने। रिजवान बेकारी करके शहर जाण दी गल करदा है ते छोटू कहिंदा है कि वह शहर जाके उन्हूं खत लिखेगा। मालकन ते सरला दीदी विच दोस्ताना मुलाकातां होंदियां रहियां ते इस तरह दोवें एक दूजे के बहुत करीब आ गईयां। सच कहा मालकन ने कि जे साक्षरता मिशन नाल जुड़े सारे लोकी सरला दीदी वांग हो जान ते फिर साडे देश विच कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। ते सच कहा सरला दीदी ने भी कि जे राजनीति दे सारे लोकी मालकन वांग हो जान ते फिर साडा देश दुनिया विच सब तो अग्गे होएगा। सरला दीदी ने स्कूल दे दाखले लई बच्चों नूं तैयार करन वास्ते क्लासां लैनियां शुरू कर दित्तियां। मजदूरां दी बैठक विच पियकड़ा ने यह तर्क दिता कि क्योंकि सरकार नूं बहुती आमदन हुंदी है, इस करके शराबबंदी लागू नहीं हुंदी। रिजवान ने पिंड छड्डन तो पहलां पिंड नाल दिल दियां गल्लां कीतियां। उधर कमल नूं कम ते आन लई मजबूर करन लई मिसिस त्रिपाठी ने उस ते चोरी दा झूठा इल्जाम ला दिता। पुलिस की धमकी अगे कम वालियां ने अपने हथियार सुट दिते। हुण अगे की होएगा, कि सरला दीदी बस्ती वालियां नूं कोठी वालियां अगे चुकन देगी, यह असी वेखांगे अगली कड़ी विच। अज असी मिलते हाँ बिहार की चिंतामणि नूं। मेरा नाम चिंतामणि है, मैं बिहार का रहने वाली हूँ। हमारा छपरा जिला घर है, बच्चे चार हैं। हमारे घर वाले सब्जी के कारोबार करते हैं। मैं 85 से 95 से साक्षरता में जुड़ी, और जब से साक्षरता अभियान में पढ़ी, जब से मैं अपना थोड़ा हिसाब वसाब कर लेती, बाजार से सब्जी सुब्जी ले आती, पहले मेरे बस के नहीं था ये बाजार जाऊं। जब से साक्षरता में जुड़ी, जब से अपना थोड़ा बाहर भी निकल जाती, बाजार भी कर ले आती हूँ, राशन वसन भी उठा ले आती, या कहीं जाना हो तो बस गाड़ी के भी नंबर देख कर जा आ सकती हूँ।
अब कहीं जाने में परेशानी नहीं होते, पहले बहुत दिक्कत हो। हॉस्पिटल जाती तो किसी को साथ लेकर जाती, जे मेरे को पता नहीं है जे कौन सी बस पकड़ के जाऊं, और मैं खुद अपने आप बस का नंबर देखकर चली जाती हूँ। दवा ववा लेकर आती, बच्चे बच्चे को पढ़ने वढ़ने में कुछ हाथ बटाती हूँ। जन करने की मन करने बोले आप ना।